पहले बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्टिकल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सीएफ और पीआई निकालना सीखा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स हम लोग यूनिट नंबर 3 का पहला टॉपिक ले रहे हैं। दैट टॉपिक इज कॉशीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कॉशीज का जो लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक खास पैटर्न है, और इसे सॉल्व करने के लिए सीएफ और पीआई जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े हैं उनका एक अच्छी समझ और अच्छी अप्रोच होना जरूरी है स्टूडेंट। बिकॉज़ फाइनली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये कन्वर्ट होके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले तो आइए जरा देखें कि ये कॉशीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, आइए देखें। नाउ स्टूडेंट्स, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, राइट? इट्स अ एक्स एन डी एन वाई डी एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई बाय डी एक्स एन माइनस वन प्लस, यहां पर आप कॉन्स्टेंट भी ले सकते हैं, ए जीरो ए वन ओके ए टू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई बाय डी एक्स एन माइनस टू एंड प्लस यहां पर आता है फाइनली स्टूडेंट्स ए एन वाई इज इक्वल्स टू जो भी राइट हैंड साइड हो क्यू दिस स्टूडेंट्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जरा खास चीज देखिएगा कि इसमें कॉन्स्टेंट्स तो हैं डेरिवेटिव्स के मल्टीप्लाई में, लेकिन साथ में जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसमें एक्स की उतनी ही पावर मल्टीप्लाई भी हुई है, और ऐसा हर टर्म में हुआ है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव ऑपरेटर वहां पे अवेलेबल है उस टर्म में उसमें एक्स का मल्टीप्लाई हुआ है उतनी ही डिग्री के साथ। तो ये जो स्पेशल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं कॉशीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना? और इसको चाहे तो हम लोग अगर डी सिंबल का यूज करें स्टूडेंट्स, तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस ए नॉट एक्स रेस टू द पावर एन डी एन प्लस ए वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू एंड प्लस सो ऑन। और यहाँ आएगा जो ए एन माइनस वन, या लास्ट लिख देते हैं, इट्स अ ए एन ब्रैकेट वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इसे इस तरह से भी लिखा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड, दैट इज जेड इज इक्वल्स टू, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं जेड इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। जब हम इसमें x is equals to e to the power z या z is equals to log x substitute करते हैं students, तो ये जो differential equation है, इस differential equation में x raised to the power n या इसमें x dy by dx is equals to x d, ये convert हो जाता है students, ये convert हो जाता है किसमें? It converted, बल्कि मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, it converted into d dash, where d dash का मतलब है बच्चों dy by dz स्क्वायर्स, ठीक है? फिर next x square d2 by dx square या x square d square, ये convert हो जाता है d dash into d dash minus 1 में, ठीक है ना? यानी कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं जो कि x के रिस्पेक्ट में थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? z के टर्म्स में। मतलब कि हम लोग वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, पहले x वेरिएबल था, अब पूरे का पूरा क्वेश्चन z वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है।
x3 x cube d3 by dxn is equals to d3 x raised to the power 3 d3 is equals to d dash minus 1 and d dash minus 2 and so on. तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन सब्स्टिट्यूशंस की मदद से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल देते हैं बिकॉज़ ये वेरिएबल और ये डेरिवेटिव ऑपरेटर d डैश में ये वेरिएबल d डैश - d डैश - d डैश - 1 में एंड सो ऑन. इस प्रोसेस से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल जाएगी और फिर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने CF और PI निकाला था. स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे CF निकालेंगे PI निकालेंगे लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें CF और PI जो निकलेगा कन्वर्ट होने के बाद में वो z के टर्म्स में निकलेगा तो हमें वापस z की जगह पर फिर log x लिख के जो आंसर है वो x में ही निकालना है बिकॉज़ हमारा उद्देश्य इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि x के टर्म्स में है. सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स पहले z को हम x मानते हुए सारे फार्मूले वैसे ही यूज करेंगे जैसे वहां पर किए थे CF और PI निकालते समय और सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स. तो इन सब्स्टिट्यूशंस को अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स और आइए अब हम लोग इन्हीं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं. और एक बात और मैं रिमार्क के तौर पर आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर डी डैश यूज किया है इन प्लेस ऑफ डी बाई डी जेड आप लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी क्वेश्चन में अक्सर वो डी के टर्म्स में नहीं गिवन रहेगी तो हो सकता है कि बुक में जब आप उनको देखें और सॉल्व करें तो कई बार वो डी सिंबल का यूज कर लेता है डी बाय डी जेड से. तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो या ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा हो तो उससे परेशान मत होइए क्योंकि डी का मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि डी बाय डी एक्स ही हो. इट डिपेंड्स कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में या उस पर्टिकुलर मेथड में उस आर्टिकल में डी को क्या वो लेके चला है. ठीक है ना तो कई बार इसको डी को डी बाय डी जेड भी लेके चलेंगे हम तो परेशान होने की जरूरत नहीं. आपको फोकस करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल अब क्या हो गया है. ठीक है ना और सारा काम उस वेरिएबल के लिए हुआ. आइए जरा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं. जैसे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सॉल्व नंबर 1 x square d2y by dx square minus x dy by dx plus y is equals to log x. एक क्वेश्चन ये हुआ स्टूडेंट्स एक और लिखते हैं x square d2y by dx square plus 2x plus 2x divided by dx minus 12y is equals to x cube log x. आइए जरा शुरुआत करते हैं इन दो क्वेश्चंस के साथ. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है उतनी ही डिग्री x की है तो ये कॉशीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोशिश होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप होता है और इसमें वही सब्स्टिट्यूशन करना होता है. तो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही डिग्री का x फॉर्म मल्टीप्लाई में होगा. अगर बाय चांस नहीं होता है तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम किसी चीज से या फिर किसी टर्म से डिवाइड कर दें तो वो इस फॉर्म में कम आ जाए क्योंकि आप जो वर्किंग रूल हमने अभी देखा उसे तभी लगा पाएंगे जब ये इस फॉर्म में आए डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉशीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. जितने डिग्री का x उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव उसके साथ में होना चाहिए मल्टीप्लाई में. राइट तो इस बात का ध्यान रखिएगा बिकॉज क्वेश्चन पेपर में आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है. ओके और जब आप पहचान पाएंगे तभी मैथड को यूज कर पाएंगे. तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन ऑफ 1. ठीक सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे गिवन क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमें इट्स एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स. स्टूडेंट्स दिस इज 1. नाउ इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे लेट लेट
x is equals to e to the power z, that implies that z is equals to log x. Z is equals to log x, students. And ye x dy by dx is converted into dy. Okay, मतलब y तो रहा ही रहा, ये x dy by dx को हमने d of y से replace कर दिया है. Where d का मतलब है d by dz, यानी variable अब change हो गया, इस d का मतलब d by dz है, ना कि x. And x square d2y by dx square convert हो जाएगा d into d minus 1y. ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों की जरूरत थी इसलिए हमने केवल ये दोनों लिखा. ओके, सो 1 बिकम, तो 1 क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इसकी जगह पर तो आ जाएगा d minus 1y minus, इसकी जगह पर आ जाएगा d by and plus y as it is. ठीक है, is equals to log x. log x की जगह क्या आ जाएगा, yes it's a z. And now इसमें से हम अब थोड़ा multiply कर देते हैं, तो it become what, it become d square minus d and plus 1 y is equals to z, and it become d square minus 2d plus 1 y is equals to z. ठीक है, now this is equation number 2. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें हमें अब इसे सॉल्व करने के लिए सीएफ और पीआई निकालना पड़ेगा. लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा रिजल्ट z में आएगा, और उसमें z को फिर log x सब्स्टिट्यूट करके हम पूरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x. तो यहां पर स्टूडेंट्स, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में ही बदलेगी. अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे सॉल्व करते हैं द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2. क्या बनेगी बच्चों, इट्स अ m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m माइनस 1 होल स्क्वायर 0, यानी कि m इज इक्वल्स टू 1. दो वैल्यूज आई m की, तो देयरफॉर cf इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, इट्स अ c1, इट्स अ c1 e टू द पावर नहीं c1 प्लस c2z e टू द पावर 1 है, यानी कि e टू द पावर z. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, इट्स अ log x, तो c1 प्लस c2 log x into what is e to the power z, e to the power z का मतलब है x स्टूडेंट्स. तो ये cf आ गया स्टूडेंट्स. नाउ pi, तो pi निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, pi इज 1 अपॉन इट्स अ d स्क्वायर माइनस 2d एंड प्लस 1, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है z. तो लुक, जब हम लोग pi निकाल रहे हो और राइट हैंड साइड कोई अलजेब्रिक टर्म्स हो, एलजेब्रिक टर्म हो इन टर्म्स ऑफ z, वहां x होता था यहां z है, तो उस केस में स्टूडेंट्स हम इसे बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, और वो एक्सपेंशन में d की वही डिग्री होगी जो कि z की डिग्री है, यानी कि पावर. तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यस इट्स अ 1 अपॉन, यस इट्स अ 1 प्लस d स्क्वायर माइनस 2d. इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है into z, और जब ये ऊपर जाएगा it become 1 plus d square minus 2d rest to the power minus 1 into z, और इसे 1 और इस पूरे को मान लीजिए x, तो आप जानते हैं कि 1 plus x rest to the power minus 1 का जो expansion है, it's a 1 minus x plus x square minus x cube plus x raised to the power 4 and so on. तो जब इसका expansion करेंगे friends, तो हम लोगों को मिलेगा it's a 1 minus 1 minus d square minus 2d plus d square
माइनस 2d होल स्क्वायर n प्लस सो ऑन, ठीक है। लेकिन हमें z की पावर कितनी, यहाँ पर d की पावर कहां तक लेनी है, केवल 1 डिग्री तक, क्योंकि उसके आगे अगर लेंगे तो दो बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम देखेंगे d हमें कहां कहां पर मिलेगा, ये तो होल स्क्वायर है तो यहाँ तो d स्क्वायर ही मिलेगा हर बार स्टूडेंट्स हमें, ओके। ये केवल माइनस 2d हमें मिल रहा है, ये भी हमारे काम का नहीं है, तो माइनस और माइनस प्लस इट बिकम z एंड प्लस 2dz, एंड व्हाट इज 2dz, इट इज इक्वल्स टू z dz, dz का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो इट बिकम 1 यानी कि z प्लस 2। तो ये आई बच्चों pi की वैल्यू, एंड फाइनली z की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, z की जगह पर z इज इक्वल्स टू आ जाएगा log x, तो इट्स अ log x प्लस 2, सो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू cf, व्हाट इज cf, इट्स अ c1 प्लस c2 log x, log x into x plus log x plus 2. So this is the complete solution of the differential equation 1 student, जिसे हमने इस तरह से किया है students. इसमें ध्यान दीजिएगा students के आपको CF और PI के ऊपर अच्छी command होना जरूरी है, और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जो काम कर रहे हैं पहले वो z में कर रहे हैं, तो सारी चीजें z के लिए काम करेंगी, इस d का मतलब d by dz होगा, तो इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो विद रिस्पेक्ट टू z चलेगा, और जब CF और PI आ जाते हैं फाइनली, तो उसमें हम लोग फिर वापस z को x में कन्वर्ट करते हैं, और फाइनली जो सॉल्यूशन आता है वो इन टर्म्स ऑफ x आता है, ठीक है ना। और मैं अगर चेक करूं स्टूडेंट्स इसको, तो द आंसर इज ओके, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब आइए जरा स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान देते हैं। तो शुरुआत में स्टूडेंट सॉल्यूशन एंड गिवन, हमें गिवन ये है स्टूडेंट्स, एंड नाउ इसमें फिर वही हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू e टू द पावर z, दैट इज z इज इक्वल्स टू log x, देन ये जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर d टू y बाय dx स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों d d माइनस 1 y, वेयर where d का मतलब है dy by dz, and x dy by dx convert हो जाएगा dy में students, केवल इन दोनों की जरूरत है, बाकी ये तो as it is ही रहने वाला है, so we have what, क्या होगा हमारे पास में, it's a d d minus 1 y plus 2 d and minus 12, minus 12 y and y is equals to, what is the value of x, it's a e to the power z, so ye x cube hai, so it become e to the power 3z, and log x, aur log x ki jagah kya likhenge, z, so it's a z students. Now isko simplify kar dete hain students, this implies that it's a d square minus d plus 2d and minus 12, और y को बाहर लिख देते हैं students, y, and it is equals to e to the power 3z into z students, ये minus होगा बच्चों, तो आपको मिल जाएगा, it's a d square plus d and minus 12, y is equals to z e to the power 3z, ठीक, so this is the differential equation बच्चों, ये हमारे पास differential equation आ गई है 2, and 2 के लिए auxiliary equation, the auxiliary equation of 2, so it's a m square plus m and minus 12 is equals to 0, so जहां तक मेरा ख्याल है students, ये बनेगा m plus 6, okay, m plus 6, sorry, m plus 4 and m minus 3 is equals to 0, ठीक है, m plus 3 and m minus, m plus 4, m minus 3 is equals to 0,
तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी -4n+3 स्क्वायर। तो हमें जो cf की वैल्यू मिलेगी, so therefore cf is equals to c1 e to the power 3z plus c2 e to the power -4z, ठीक है। और हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, c1 e to the power 3z का मतलब क्या है, इट्स अ x³, एंड c2 e to the power -4z इट बिकम x^-4। ओके, दिस इज द cf, ये cf है ना। क्यों रखा हमने, बिकॉज e to the power z is equals to क्या है, x², ठीक है ना। तो उसकी जगह पर जब z को x में कन्वर्ट करेंगे तो cf की वैल्यू ये आएगी। नाउ मूविंग टू p, तो pi की वैल्यू is equals to, इसको क्या लिख सकते हैं, यस इट्स अ 1/d² + d-12, और राइट हैंड साइड कितना है, इट्स अ z e to the power 3z, ठीक। और इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना, it's a 1 upon d plus 4 and d minus 3 e to the power z into e to the power 3z. okay, स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब आपको पी आई निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जब राइट हैंड साइड इस फॉर्म में होती है तो पी आई कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा हम लोगों ने समझा था कि इट्स 1 upon f d e to the power ax into z, यानी कि e to the power ax और कोई भी फंक्शन ऑफ x हो, तो हमारे पास स्टूडेंट्स पी आई के लिए हम लोग e to the power ax को पहले बाहर कर देते हैं और d को रिप्लेस कर देते हैं d+a से स्टूडेंट्स, ठीक। और फिर रह जाता है केवल b, और केवल इतने को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी जो भी आएगा वो हमारा pi दे देगा, इसमें e to the power ax बना रहेगा। तो इस e to the power 3z को बाहर करने के लिए a का काम कर रहा है 3, तो d को d+3 से रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा e to the power 3z 1 upon d+3 + 4 as it is, and d+3 and -3 as it is, students. और यहाँ पर z, ये cancel हो जाएगा बच्चों d, और हमारे पास आ जाएगा e to the power 3z, it's a 1 upon d into d+7 students, और ये साथ में चल रहा है z students. अब z है स्टूडेंट्स, तो फिर हमें बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें 7 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं e to the power 3z 1 upon 7 d, और फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इट्स अ 1 upon 1 plus d by 7 z। अब ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स, इट बिकम e to the power 3z 1 upon 7 d 1 plus d by 7 rest to the power -1 and z। अब इसका binomial expansion करना है students, और वहां तक करना है जहां तक d की power 1 ही रहे students। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा students, e to the power 3z 1 upon 7 d 1 minus, वही binomial theorem वाला formula, 1 minus d by 7 and plus d square by 7 square and minus के साथ फिर और आगे बढ़ता जाएगा, यानी higher powers आती जाएंगी, ठीक। तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है z, क्यों, क्योंकि z की power 1, d square पर इसकी value 0 हो जाएगी, d cube पर भी 0 हो जाएगी, तो हमारे काम की केवल ये दो टर्म है, तो z का यहाँ multiply कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें मिल जाएगा
ये थोड़ा मिटा दें। तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स e टू द पावर 3z 1 अपॉन 7d z माइनस d ऑफ z। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, z का 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इट्स अ 1 अपॉन 7 स्टूडेंट्स। अब 1 अपॉन d है तो 1 अपॉन d का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर 3z एंड इट्स 7 को बाहर ही रहने दीजिए, इंटीग्रेट कर देंगे तो इट बिकम z स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस माइनस z बाय 7 स्टूडेंट्स, ठीक। और वापस अब हम लोग z को x में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर लिखा जा सकता है e टू द पावर 3z की जगह पर x क्यूब बाय 7 और ब्रैकेट में अंदर z की जगह पर, तो इट बिकम log x, राइट, दैट इज इक्वल टू log x है, तो log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस log x अपॉन 7। दिस इज द पीआर स्टूडेंट्स, सो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cf प्लस pi इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cf? cf की वैल्यू आई थी c1 x क्यूब प्लस c2 x रेस टू द पावर माइनस 4 प्लस व्हाट इज pi? इट्स अ x क्यूब बाय 7 ब्रैकेट log x होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x बाय 7, ठीक। तो फाइनली दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग मैच भी कर लेते हैं बुक से कि क्या यही आ रहा है। तो यस स्टूडेंट्स, कंप्लीटली यही आ रहा है, ठीक है। एंड यस, तो दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन। और आई थिंक इस क्वेश्चन को देख के आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग बस इस थोड़े से सब्स्टिट्यूशन के बाद में बिल्कुल वही क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं जो हम लोग पिछले यूनिट में करके आए हैं सीएफ और पीआई के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स साइन आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन था हमारे पास में एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स साइन लॉग एक्स। नाउ हमने पहले x = e टू द पावर z सब्स्टिट्यूशन किया स्टूडेंट्स, उसके बाद में जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो z = log x आ गया, और पुराने क्वेश्चंस की तरह x = d2y/dx इस तरह से कन्वर्ट हुआ x dy/dx इस तरह से, जहां पर d का मतलब है dy/dz। हमने ये दोनों वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट किया, सिंपलीफाई किया तो d2 + 1 = z sin z। हमने 2 के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो m = + - iota आया, तो cf is equals to c1 cos z plus c2 sin z, जो भी cf का रूल है उसके अकॉर्डिंग z की जगह पर वापस log x लिखा है स्टूडेंट, तो दिस इज आवर cf। नाउ pi के लिए स्टूडेंट्स 1 upon d square plus 1 z sin z, ये जो भी राइट हैंड साइड थी उसको लिया हमने यहां। अब हमारे पास में z sin z के लिए कोई रूल नहीं है pi का, z के लिए है sin z के लिए भी है लेकिन दोनों के लिए नहीं है एक साथ। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये ऐसे फॉर्म में आ जाए कि हम pi का कोई रूल लगा सकें, तो इसके लिए हमने क्या करा, हम ये जानते हैं यूलर्स फॉर्मूले से कि e टू द पावर ix बराबर cos x plus i sin x होता है, और अगर इस e टू द पावर ix के आगे इमेजिनरी पार्ट लिख दिया जाए तो e टू द पावर ix का इमेजिनरी पार्ट sin x होता है। तो वही इस sin z को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने तकनीक अपनाई और हमने क्या लिख दिया e टू द पावर iz के आगे
इमेजिनरी पार्ट ऑफ, बिकॉज e टू द पावर iz का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, sin z हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास में z और e टू द पावर iz है, तो हम इसमें आगे बढ़े। अब हम इसको लिख देते हैं आगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट z e टू द पावर iz। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास में जो PI का एक रूल है उसके अकॉर्डिंग e टू द पावर iz में जो भी z का कोफिशिएंट होता है उसको d से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि हम d को अब रिप्लेस करने वाले हैं d प्लस iota से, ठीक। तो जब d प्लस iota से रिप्लेस करेंगे तो e इमेजिनरी पार्ट e टू द पावर iz बाहर हो जाएगा एंड इट बिकम 1 अपॉन d प्लस i होल स्क्वायर प्लस 1, और ये रह जाएगा केवल z, एंड दिस इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट e टू द पावर iz। जब आप इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इट बिकम d स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2 d i, राइट, 2 d i एंड प्लस 1 स्टूडेंट्स, और ये z, तो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर iz, and it's a 1 upon d square plus 2 d i। तो students, अगर इसमें से हम common ले लेते हैं 2 d i, तो अंदर रह जाएगा students कितना 1, yes, it's a 1 plus, एक d बाहर जा चुका है, it become d upon 2 i, और ये z। अब क्योंकि z है तो इस टर्म का जो ब्रैकेट में है उसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को मिल जाएगा इमेजिनरी पार्ट e टू द पावर iz अपॉन 2 di, i तो एज इट इज ही बना रहेगा, ठीक है ना, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे इट बिकम 1 प्लस d अपॉन 2i as to the power minus 1 z। अब इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, और उसकी जो डिग्री है वो उतनी ही रहेगी जितनी की z की डिग्री है, यानी कि 1, इट्स अ 2 di एंड इट बिकम 1 माइनस d अपॉन 2i एंड प्लस d स्क्वायर अपॉन 2i होल स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, और ये z, ये हमारे काम के नहीं है, इसके आगे वाले टर्म भी काम के नहीं है, केवल ये एक और ये दो टर्म हमारे काम के। तो जब इसको हम लोग और सिंपलीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर iz 1 अपॉन 2 di एंड z दैट कैन हैव 1 मल्टीप्लाई हुआ z माइनस d ऑफ z, तो d / dz ऑफ z यानी 1, तो इट्स अ 1 अपॉन 2i स्टूडेंट्स, ठीक। यहां तक ये सिंपलीफाई हुआ, इसके आगे तो जीरो हो जाएगा इसलिए उसे लिखा नहीं स्टूडेंट्स। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर iz अपॉन 2i को स्टूडेंट्स लिख देते हैं 2i, और 1 अपॉन d, 1 अपॉन d ऑफ व्हाट, ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2i, ठीक। और जब हम लोग इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z तो हमें मिल जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर iz अपॉन 2i ब्रैकेट it's a z square upon 2 and minus z upon 2i students, ठीक है। और यहां पर ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो imp of e to the power iz, तो ऊपर नीचे जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां i आ जाएगा और नीचे 2i square, यानी कि i square की वैल्यू minus 1, तो it become minus 2, ये ठीक है, z square upon 2 कोई दिक्कत नहीं है, minus इस डिनोमिनेटर वाले i को हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस एंड इट्स अ zi अपॉन 2, ठीक। अब इस माइनस 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस e टू द पावर iz को खोल देते हैं, तो इट्स अ इमेजिनरी पार्ट, यहां पर आ जाएगा बच्चों cos z plus i sin z, ओके, ये डिवाइड में माइनस 2 चलने दीजिए, इस i का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स z स्क्वायर i अपॉन 2 एंड प्लस i स्क्वायर यानी माइनस 1 अगेन, इट्स माइनस 1 z अपॉन 2,
और अब ध्यान दीजिएगा, जब इन सब का पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग अंदर, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट, देखते हैं क्या क्या आता है. cos z into this, तो इट्स अ z स्क्वायर cos z i डिवाइड बाय माइनस फोर, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, तो z cos z अपॉन माइनस और माइनस प्लस ये फोर. फिर i sin z का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो इट्स अ i into i, i square और उसकी वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस यहाँ लगा दिया स्टूडेंट्स. इट्स z square sin z अपॉन ये माइनस टू है, तो माइनस टू का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये बन जाएगा प्लस एंड डिवाइड बाय फोर. माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस, और जब इस साइन इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो इट्स i z sin z अपॉन फोर. ठीक, माइनस और माइनस प्लस, i sin z का यहाँ मल्टीप्लाई, तो z sin z i. अब इसमें देखिए कि हमें केवल इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट क्या क्या है जिसके साथ आई होगा, तो ये हमारे काम का नहीं है और ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसके साथ आई है ही नहीं. तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स जो पी आई है, वो पी आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इट्स अ जेड साइन जेड अपॉन फोर एंड माइनस जेड स्क्वायर कॉस जेड अपॉन फोर. अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए z की, तो z की वैल्यू कितनी थी, z इज इक्वल्स टू था स्टूडेंट्स log x, तो z की जगह जब log x सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इट्स log x इनटू sin log x, और चाहो तो 1 by 4 स्टूडेंट्स बाहर कर दो, तो ये 1 by 4 बाहर ही कर देते हैं हम लोग कंप्लीटली, तो इट्स 1 by 4 ब्रैकेट एंड माइनस z स्क्वायर, मतलब log x का होल स्क्वायर cos log x and bracket close. तो दिस इज पी आई स्टूडेंट्स, और आफ्टर फाइनली हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, इट्स y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई. अब दोनों की वैल्यू जो सी एफ था उसको लिख दीजिएगा और पी आई को लिख दीजिए, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा. इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपने आंसर से. So minus z square cos z, minus z square cos z and plus sin z, let me go. ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर इज करेक्ट और हमारा CF भी करेक्ट है स्टूडेंट्स, तो CF और PI को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, और इसमें ये जो नई टेक्निक हमने यूज करी है इमेजिनरी पार्ट वाला, यानी कि आयोटा का इस्तेमाल करके, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल हमने इसमें किया है, तो ऐसा कुछ कुछ परिस्थितियों में करना पड़ सकता है स्टूडेंट्स. अब आप इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बुक की मदद से करिए, कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसको लाइटली मत लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर दिलवाएगा, लेकिन लेकिन इसके लिए CF और PI पे अच्छी कमांड होना जरूरी है, तो उसे कंप्लीट करिए और फिर इस टॉपिक को भी कंप्लीट करिए. हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.